फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है ऑरेंज केक। ये कोई ऑर्डिनरी ऑरेंज केक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही डिलिशियस, फ्लफ़ी और टेस्टी ऑरेंज केक है। और सबसे ख़ास बात, आज हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेश ऑरेंजेस और फ्रेश ऑरेंज जूस। हम कोई भी आर्टिफिशियल एसेंस का यूज़ नहीं कर रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हमारा स्पेशल ऑरेंज केक। तो चलिए ऑरेंज केक बनाना हम चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये केक का मोल्ड। इसे एक बंड पैन केक मोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इसको ऐसे अलग अलग डिज़ाइन रहते हैं, कई प्रकार के मिलते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे हैं। अगर आपके पास ऐसे पैन ना हो तो आप दूसरा सादा जो सिंपल केक पैन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो करना है वो है अंदर से इसे हमें अच्छे से बटर लगा देना है। तो मैंने बटर को पहले ही थोड़ा सा पिघला के रख दिया है और इसे इसमें अच्छे से हम लगा देते हैं। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये जो ग्रूव्स दिख रहे हैं आपको, जो इसमें खांचे दिख रहे हैं, उनमें अंदर अच्छे से बटर लग जाना चाहिए। तो वही कर लेते हैं हम, चलिए फटाफट। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसमें सब जगह बटर लगा दिया, क्योंकि हम इसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर नहीं लगा सकते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से बटर और सूखा आटा लगा के नॉन स्टिक के जैसे बना दें। तो बटर तो मैंने अभी इस पर लगा दिया है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखा आटा लिया है, मैदा है ये, इसे अंदर हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे और पैन को घुमा घुमा के सब जगह से ये मैदा को इस बटर के ऊपर चिपका देंगे। तो ऐसे इसे घुमाते हुए सब जगह अच्छे से सूखा आटा लगा लेना है। ये इम्पॉर्टेंट है कि अंदर के जो भी ग्रूव्स है, जो भी खांचे हैं, उन सब में अच्छे से मैदा लग जाना चाहिए, खासकर ये साइड के इसमें। तो आटा अच्छे से सब जगह लग गया है। अब एक प्लेट ले लीजिए और इस बर्तन को इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा इसे झटक लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी एक्सेस आटा है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमारा बेकिंग मोल्ड जो है, जो बंड केक मोल्ड है, वो केक बेक करने के लिए अब रेडी हो गया है। तो मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज। ये जो बाहर का स्किन दिख रहा है आपको, हमें इसे ग्रेट करना है, या इन अदर वर्ड्स बोलते हैं, इसे जेस्ट निकाल के इस बोल में कलेक्ट करना है। तो मेरे पास ऐसे एक जेस्टर है। अगर आपके पास ऐसे जेस्टर ना हो तो नॉर्मल जो ग्रेटर, चीज़ ग्रेटर आता है, उससे भी इसे कर सकते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से हमें इसे जेस्ट निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हल्का सा ऑरेंज दिख रहा है, तो बस उतना ही हमें इसे ग्रेट या जेस्ट करना है। अंदर का सफ़ेद हिस्सा नहीं लेना है, वो कड़वा रहता है, ठीक है। तो हल्के हाथों से हम धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो जेस्टर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, इसे हल्के हाथों से हम ऐसे जेस्ट कर लेंगे। क्योंकि हम इसमें कोई ऑरेंज एसेंस नहीं डाल रहे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑरेंज केक बना रहे तो ऑरेंज का कुछ तो इसमें फ्लेवर हो। हाँ, हम इसमें वनीला एसेंस ज़रूर डाल रहे, लेकिन जो एक्चुअल ऑरेंज केक होता है उसमें ऑरेंज का जो एसेंस है बहुत खिल के उसमें टेस्ट आता है, इसीलिए हम ऑरेंज जेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैंने ये सारा जेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम इसमें जो यहाँ पे मैंने ऑयल और वनीला एसेंस रखा है वो इसमें रखना है, डाल देना है। तो ये हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, और इसके बाद हम डालेंगे 30 ग्राम्स या फिर 3 टेबलस्पून ऑयल। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, आप कोई भी अनफ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो जाएगा वो है नमक, ये 1/4 टीस्पून नमक है। ये सिर्फ सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम डाल रहे हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे एक बार, बस थोड़ा बहुत इसे मिक्स करके हमें साइड में रख देना है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। ये वही ऑरेंज है जिसे हमने जेस्ट करके रखा था, इसे हम काट देते हैं और इसका जूस निकाल देते हैं। अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज नहीं है तो आप कैंड ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ऑरेंज जूस का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमें लगभग आधा ही ऑरेंज का जो जूस है वो यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना हमने ऑयल लिया था उतना ही, लाइक 3 टेबलस्पून्स ऑफ ऑरेंज जूस चाहिए। तो ये जूस जो हमने कलेक्ट किया था ये इसमें हम डाल देते हैं, बस इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक ये साइड में रहेगा तब तक हम अपने एग वाइट्स बीट कर लेंगे।
सो दीज आर थ्री एग वाइट्स, ये तीन अंडे के जो सफ़ेद हिस्सा है वो है, और अब हमें इसे इतना बीट करना है कि ये अच्छे से सफ़ेद होके सॉफ्ट पीक्स होल्ड कर ले। तो एक हैंड ब्लेंडर की मदद से आप ये इजीली कर सकते हैं। जैसे ही ये बबल्स जो है अभी बहुत ज़्यादा मोटे दिखते रहेंगे, जैसे ही ये थोड़े से सेटल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे शक्कर, लेकिन थोड़ा थोड़ा, तीन बैचेस में शक्कर को डिवाइड करके इसमें डाल देंगे। तो देखिए अच्छे से ये वाइट हो गया है, बबल्स हल्के से सेटल हो गए हैं, जो बड़े बड़े बबल्स थे वो थोड़े से छोटे हो गए हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे शक्कर रखा है, ये नॉर्मल हमारा घर का चीनी है, इसे मैंने मिक्सर में पीस करके रख दिया था साइड में। अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो आप वो बेशक यूज़ कर सकते हैं। अब वापस हमें इसे वैसे ही बीट करना है। वापस से मैं इसमें दो चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, ठीक है। तो जो मैंने शक्कर लिया है उसे बस हमें रफली तीन भागों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें शक्कर डालते जाना है। तो ये लास्ट का जो शुगर बाकी है वो भी इसमें डाल देते हैं। दिस वाज अबाउट 70 ग्राम्स ऑफ शुगर लिया है मैंने, अब इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक इसमें सॉफ्ट या मीडियम पीक्स नहीं मिले। मतलब जैसे हम ये जो बीटर है इसे ऊपर उठाएंगे तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो माउंटेन्स जैसे बन रहे दिख रहे हैं आपको, ये हल्का उन्होंने अपना जो पॉइंट है वो होल्ड करने लायक, उतना हमें इसे बीट करते जाना है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। सी इट्स जस्ट देयर, बस अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। इस ये जो पीक्स है, जो माउंटेन टॉप्स दिख रहे हैं आपको, इट्स जस्ट स्टार्टिंग टू होल्ड इट्स शेप। सी विल बीट फॉर सम मोर टाइम। तो चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। वाओ, सो दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी। एक बार और देखते हैं, दिख रहा है आपको ये जो ये अपने शेप को होल्ड कर पा रहा है, इस पर भी आप देख सकते हैं। तो अब ये बैटर रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे अंडे का जो पीला हिस्सा है वो अलग से निकाल के रखा था, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और बीट करते रहना है। बहुत ज़्यादा भी बीट नहीं करना है, बस देखिए अभी ये आपको वाइट एंड येलो का डिफरेंस दिख रहा है। जैसे ही ये पूरा येलो पूरे बैटर में मिक्स हो जाएगा हमें बीटर बंद कर देना है। देखा ना कैसे ये अब योग मिक्स हो गया, तो बीटर बंद कर देना है। बस वैसे ही हमें बाकी का पूरा जो एग योग है इसमें डाल देना है। तो यहाँ तक तो ये बैटर अब रेडी हो गया है। थोड़े से जो साइड्स में बैटर लगा है उसे एक स्पैचुला की मदद से आप ऐसे निकाल दीजिए और वापस बैटर में अंदर डाल दीजिए। सो सी द बैटर बहुत अच्छे से ये फूल गया है, एग वाइट्स अच्छे से विप हो गए हैं। ज़्यादा भी इसे स्पैचुला लेके घुमाना नहीं है, नहीं तो इसमें जितना भी हमने हवा डाला है वो निकल जाएगा। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास आटा है, ये नॉर्मल मैदा है, इसे सिफ्ट करके हमें इसमें डाल देना है। पूरा एक साथ ही डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसे ऐसे सिफ्ट करके इसमें डाल देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इसमें रह जाएगा उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अब एकदम हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से इस पूरे आटे को इसमें मिक्स कर देना है। इट्स कॉल्ड अ फोल्डिंग टेक्निक। तो आपको बस ऐसे बैटर को बीच से कट करना है और नीचे से ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। बस ऐसे ही इसे धीरे धीरे करके आप इसे फोल्ड करते रहिए, जब तक आपको सारा आटा इसमें गायब नहीं हो जाए। सब जैसे बोलते हैं ना, टिल द टाइम यू डोंट सी एनी ड्राई फ्लावर यू जस्ट हैव टू कीप ऑन फोल्डिंग द बैटर।
अगर हम बहुत ज़्यादा इसको मैन हैंडल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे मिक्स करेंगे अभी, तो सारा हवा इसमें से निकल जाएगा। सो सी ऑल द फ्लावर, द आटा जो है, हमारा आटा जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। बड़े बड़े गुठली भी नहीं दिख रहे, ये एक स्मूथ बैटर के जैसे फ्लफी बैटर रेडी हो गया। देखिए, तो अब हमें जो हमने ऑरेंज जूस, ऑयल, सॉल्ट और वनीला एसेंस को मिक्स करके रखा था साइड में, उसे इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये वही है जो हमने ऑयल और जो वनीला एसेंस डाल के मिक्स करके रखा था। थोड़ा सा बैटर इसमें से हम निकाल के पहले इसके अंदर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, फिर ये पूरा बैटर वापस इसके अंदर जाएगा। वो इसलिए कर रहे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाएगा और हमारा केक बैटर अच्छे से नहीं होगा। सी हाउ लाइट एंड फ्लफी है ये बैटर, ये जो लिक्विड है उसके ऊपर ये ऑलमोस्ट फ्लोट हो रहा है। इसे हम अच्छे से एक बार इसमें मिक्स कर लेते हैं। एक बार आपको लग जाए कि ये अच्छे से बैटर इसमें मिक्स हो गया है, तो आप ये पूरा बैटर इसमें पोर करके वापस से वही कट एंड फोल्ड टेक्निक यूज़ करके बैटर को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। इसे इसके अंदर पोर कर देते हैं। ये बहुत ही यूनिक टाइप का केक रेसिपी है, आई एम श्योर आपको ये केक बनाने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल भी रेसिपी है एंड इट्स वेरी फ्लेवरफुल ऑल्सो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमने जो ऑरेंज को जेस्ट किया था वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसके अंदर, हल्का हल्का ऑरेंज के दाने दिख रहे हैं। तो वही मेथड से हमें इसे कट एंड फोल्ड कर देना है। तो अभी आपको इसमें थोड़े थोड़े स्वर्ल्स नज़र आएंगे, अलग अलग कलर्स नज़र आएंगे। सो द पॉइंट इज़, द ट्रिक इज़ कि आपको तब तक इसे हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड करना है जब तक ये एक बैटर के जैसे नहीं दिखे, इसका कलर जो है पूरा एक हो जाना चाहिए। ओवन को मैंने 170 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटिंग के लिए रख दिया है, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस केक को गैस के ऊपर भी बना सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम एक पतीले में नमक डालते हैं, बस उस पतीले को अच्छे से आप 15-20 मिनट के लिए गर्म कर दीजिए और यही मोल्ड उसके अंदर 15-20 मिनट के लिए आप बेक कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द ओवन, हर एक ओवन अलग है, तो इसे 10-15 मिनट के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए। अब इस बैटर को हम अपने केक मोल्ड में डाल देते हैं। तो ये हमारा केक मोल्ड जो रेडी था, और इसके अंदर इस बैटर को हम डाल देते हैं। सो आई एम यूजिंग अ बंड केक पैन हियर। इफ़ यू डोंट हैव अ बंड केक पैन, आप कोई भी नॉर्मल केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं इवनली सब जगह डाल देती हूँ। सो मैंने इसमें आज ऑरेंज डाला है, ऑरेंज का जो जेस्ट है वो उसका यूज़ किया है। बट इफ़ यू डोंट हैव ऑरेंज, देन यू कैन जस्ट यूज़ द वनीला एसेंस और एनी ऑरेंज एसेंस इफ़ यू हैव, यू कैन यूज़ दैट। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स है तो ऑरेंज एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप या इसमें डार्क चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। इट विल इंक्रीज इट्स टेस्ट एंड टेक्सचर। अभी इसे हमें एक दो बार प्लेटफॉर्म पे टैप कर देना है ताकि कोई अगर अंदर एक्सेस एयर बबल्स है तो वो ऊपर आ जाए। सी, दैट्स इट। अब इसमें इसे हमें डालना है एक प्री हीटेड ओवन। जैसे मैंने बोला, मैंने ओवन को 170 डिग्रीज पे ऑलरेडी प्री हीट कर दिया है, तो ये जाएगा उस प्री हीटेड ओवन में लगभग 15-20 मिनट के लिए। दोस्तों, हमारा ऑरेंज केक अब रेडी हो गया है। ये एग्जैक्टली 15 मिनट के लिए ओवन में बेक होके रेडी हो गया था, और इसने अपने साइड्स को भी अच्छे से छोड़ दिया है। और अगर आप ऐसे इसे दबा के देखोगे तो ये अच्छा स्पॉन्जी केक बना है। तो इसे हमें इस प्लेटफॉर्म पे निकाल के उल्टा करके निकाल देना है। देखिए कितना ईजिली ये निकल के बाहर आ गया है। इसका ये मतलब है कि हमने जो पैन को बटर लगाया था वो अच्छे से ये नॉन स्टिक जैसे हो गया था। और अगर आप इसे ऐसे दबा के देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी भी हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है ये। चलिए आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। इसे हम सर्व कर लेते हैं।
सो आई हैव सम चॉकलेट सॉस विथ मी. ऑरेंज एंड चॉकलेट केक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा. प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. एंड डू एन्जॉय दिस मेकिंग दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू.